नमस्कार, आप देख रहे हैं लिखराज न्यूज। मैं रिंग शर्मा गुरु जी पल पल की खबरों के साथ। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता से, क्या है आज की खास खबर। बुलंदशहर के खुर्जा नगर रोड के वेच बस स्टैंड पर बनाया गया जन कल्याण समिति द्वारा अस्थायी रैन बसेरा, जिसमें 60 डिग्री के टेम्परेचर की सर्द रात में ठंड से बचने के लिए लोग रुकने के लिए पहुंचे। तो आइए जानते हैं देवेंद्र शर्मा गुरुजी की खास रिपोर्ट में क्या है खास। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम अमित कुमार यादव। कहाँ से आए आप? बाराबंकी जिला से। क्या काम करते हैं आप? एक्चुअली मैं कुछ सामान लेने आया था यहाँ। अच्छा। खुर्चा। अच्छा जी। रात में ही रुक रहे हैं? जी, यहीं पे रुक रहा हूँ मैं। सुविधा सही है? बढ़िया व्यवस्था है सर। एक्स्ट्रा कम्बल हर चीज़ मिल रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। बिछाने के लिए गद्दे हैं, चादर है, रजाई ओढ़ने के लिए। सुविधा सही है सर। अच्छा लगा? जी सर, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? तपेश शर्मा। किस तरह की व्यवस्था की गई है, कौन सी संस्था है ये? जन कल्याण समिति है और माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जो भी लोग यात्री आते हैं, बाहर से आते हैं लोग, उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई है। और हमारे पास कंबल हैं, बिछाने के लिए गद्दे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। जो आदमी ठंड में बाहर नहीं रहे, बैठा नहीं रहे, आराम से यहाँ सो सकता है रात के लिए। ये थी हमारी आज की खास खबरें। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। देखते रहिए हरिद्वार न्यूज। जय हिंद, जय भारत।